चलिए मेरे और एक नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और आज का ब्लॉग बनाने के लिए मुझे भी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रहा है। पता है क्यों? क्योंकि बहुत दिन बाद थोड़ा सा रिलैक्स फील करने के लिए आज मैं सोची हूँ कि थोड़ा सा घर को अलग तरीके से डेकोरेशन का, अलग मतलब जैसा है वैसा ही, बस थोड़ा सा खुद का एक टच डालने का। बहुत ज़्यादा बहुत दिनों से मन हो रहा था तो सोचा कि आज ही करेंगे शाम को, पर अभी नहीं। हाँ, अभी सुबह के टाइम हो रहा है, सारे काम कंप्लीट। एक बार मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि ये जो डाइनिंग टेबल कवर है कैसा लग रहा है, कमेंट में बताना। हाँ, मुझे बहुत बहुत पसंद है ये लाइट कलर में ना, बहुत मतलब ज़्यादातर चीज़ें लाइट कलर में बहुत अच्छा लगते हैं। अभी टाइम हो रहा है कुछ 11:10 बाकी है, मैं जा रही हूँ मून के स्कूल मून को लाने के लिए। मैंने सुबह कुछ 8 से मेरा ब्लॉग स्टार्ट किया था, उसके बाद से और नहीं मिल पाई हूँ। चाय और रोटी दोनों करके, मतलब ब्रेकफास्ट करके फिर मून को लाने के लिए जा रही हूँ। लंच भी बनाना कंप्लीट हो चुका है मेरा आते टाइम। अच्छा, ये हम लोग इसको कुलमी शाक बोलते हैं, पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं, पर ये मून के पापा को बहुत पसंद है। ऐसे टाइप का साग ही मून के पापा को बहुत पसंद है, तो 10 का मिल रहा था, मैं थोड़ा सा लेके आई हूँ। पता है इसका जो कट करने का तरीका है ना, ये गाँव में जो मेरा सास है फिर जेठानी है ना, उन लोगों को बहुत अच्छी तरह से आते हैं, पर मैं कभी भी इसको कट नहीं किया, मतलब शादी के बाद ही कर रही हूँ। और गाँव में जब शादी के पहले कभी भी मैंने कट नहीं किया, तो मेरा ये जो कट करने का तरीका है ना, ये अगर मेरे सासू माँ और मेरे जेठानी देखेगी ना, या फिर मेरी मम्मी भी देखेगी ना, उन लोग को मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। पता है कितना बड़ा बड़ा करके मैं कटिंग कर रही थी। मैं क्या करती हूँ पता है, मैं बड़ा बड़ा करके कटिंग कर लेती हूँ ना, इसी वजह से मैं इसको नमक से अच्छी तरह से ना स्मैश करके रख देती हूँ 15-20 तक, तो इसका सारे पानी जो है ना निकाल जाते हैं और ये पूरा सॉफ्ट हो जाते। उसके बाद तेल में थोड़ा सा कलौंजी छौंक लगा के, चाहो तो प्याज भी डाल सकते हो, मैं डालती हूँ कभी कभार, और थोड़ा सा ग्रीन चिली। हाँ, उसको डालने के बाद इसको ऐसे ही मतलब अच्छी तरह से इसके अंदर से पानी निकालना, क्योंकि नमक डालने के बाद पूरा सॉफ्ट हो जाते हैं ना, तो फिर पानी निकाल के फेंक देने का। उसके बाद जो साग बचा हुआ रहेगा ना, वो ऑयल में डाल देने का। अभी नहीं बनाऊंगी ये, मैं इसको बनाऊंगी कल। तो इसको आज धो के कट करके फ्रीज में रखूंगी, जो मेरे पास बॉक्स है ना उसके अंदर मतलब स्टोर करके रख दूंगी, अच्छी तरह से रह जाएगा। कट करके रख रही हूँ कि जल्दी जल्दी बनाना पड़े तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सुबह सुबह बहुत काम रहते हैं ना, मतलब लंच जब बनाती हूँ एक एक करके बहुत ज़्यादा लेट हो जाते हैं, इसके लिए मैं सोची कि चलो अभी कट करके रखती हूँ, कल बना लूँगी। कल भी लेके आई थी लाल वाला जो साग रहते हैं ना, रेड कलर का, वो ले गई थी, वो आज बनाई हूँ। और आज क्या लंच में बनाई हूँ आप लोगों के साथ शेयर नहीं की हूँ, बाद में जब मुन के पापा लंच करने के लिए आएगा ना, तब एक बार दिखा दूँगी क्या क्या बनाई हूँ। चलो इसका कट करना कंप्लीट हो चुकी है। बाप रे बाप, हाथ पूरा दर्द हो गया इसको कट करते करते। और आप लोग सोचो कि क्या प्लेटफॉर्म के ऊपर ही क्यों कट कर रहे हो, इसको मैं बहुत बार साफ़ करती हूँ। हाँ, मतलब सभी करते हैं, पर मैं ना थोड़ा ज़्यादा ही कर लेती हूँ, बहुत बार साफ़ करती हूँ। इसमें थोड़ा सा भी कुछ गंदा नहीं है गंदगी, पर बहुत लोग तो इसके ऊपर रोटी भी बेलते हैं, पर मेरे को नहीं आते इसके ऊपर रोटी बेलना, इसलिए मैं ऊपर चक्की जो रहते ना उसके ऊपर ही बेल लेती हूँ। अब इसको कट तो कर लिया, कैसे भी करके ऐसा लग रहा है कोई जंग जीत लिया मैंने। उसके बाद इसको बॉक्स में स्टोर करके रखेंगे। एक मतलब कि क्या बोलते हैं, एक आटी मतलब 10 का इसीलिए लेकर आई हूँ क्योंकि मुझे पता है कि 10 का कट करने के बाद जितना होगा वही बस एक बॉक्स में आ जाएगा, और दो दो तीन दिन बॉक्स लगने के बाद ना नहीं होता, और एक साथ ज़्यादा बना लूँगी तो फिर कोई खाएगा नहीं, ख़राब होगा, इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके लेकर आती हूँ। मून में और मून के पापा बस दोपहर के टाइम में खा लेंगे तो हो जाएगा। हमारे में कहावत है कि साग को रात के टाइम नहीं खाना चाहिए, इसीलिए दोपहर के टाइम में ही मतलब खा लेना अच्छा रहेगा। दूध गर्म करने के लिए दी हूँ, पता है बीच में एक दिन ब्लॉग नहीं बनाई थी ना, फिर उस दिन मैंने एक शॉर्ट अपलोड किया था, पहले बताई थी ना आपको, फिर मैंने सोचा कि अरे नहीं, अगर मैं एक दिन ब्लॉग बनाना छोड़ दूँगी आप लोगों को लगेगा शायद मैं फिर से ब्लॉग बनाना छोड़ दी, इसके लिए मैंने सोचा नहीं, दो दिन मतलब सोच रही थी कि चलो नेक्स्ट डे भी थोड़ा सा जाने देती हूँ, क्योंकि एक ही साथ एक एक चीज़ दिखाऊँगी आप लोग बोर तो नहीं हो जाओगे। मैंने सोचा कि नहीं बोर नहीं होगा, क्योंकि आप लोग कमेंट में बोलते हो ना कि मेरे ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगते हैं, बोर नहीं होगे, इसीलिए मैंने सोचा कि नहीं डेली बनाऊंगी वीडियो, एक बार जब बोला है तो।
अभी लंच करने के लिए मुन के पापा चले आए हैं और क्या क्या बनाई हो दिखाती हूँ। ये पत्ता गोभी आज का नहीं बनाई हूँ, कल का है तो फ्रीज में था इसको। और ये क्या है पता है, ये प्रॉन्स को मैं पेस्ट किया इसके अंदर मिक्सी में, मतलब प्रॉन्स को पेस्ट किया, उसके अंदर मसूर दाल भिगो के रखी थी वो डाली हूँ, चावल का आटा, थोड़ा सा जिंजर गार्लिक और थोड़ा सा कांदा को चॉप करके दिया। उसके बाद ना क्या क्या दिया, ग्रीन चिली दिया, उसके बाद नमक हल्दी थोड़ा सा मिर्ची पाउडर। देखिए इसको अच्छी तरह से ऐसे टिक्का जैसे फ्राई किया, मस्त लगता है खाने में, पूरा क्रिस्पी होता है चावल के आटे की वजह से। और ये है रेड कलर की जो साग है ना वो, और ये है एचोड़ चिंगड़ी, मतलब कि कटहल के साथ प्रॉन्स करी बनाई हो। दाल भी है कल का, पर मुन के पापा बोला कि नहीं दाल नहीं चाहिए। आप लोग सोचोगे मैं अकेला अकेला खा रही हूँ, नहीं, मेरे बाजू में उसके मुन के पापा भी है। और मैं खाना खाने के लिए बैठी हूँ तब मुन के पापा आया, तो मैंने सोचा कि चलो जाने उसको पहले दे देती हूँ, उसके बाद मैं फिर से ख़त्म कर लेती हूँ खाना, तो साइड में खड़े। और वो पता है मुन के पापा खाना खाने के बाद तुरंत निकल जाते हैं, 2 मिनट भी घर पर नहीं बैठते, इसीलिए जल्दी जल्दी उनको खाना दिया और वो खाना खा के ही निकल जाते हैं। देखो तो खाना लंच हो गया है, इसके बाद सोती हूँ, पर आज नहीं सोई हूँ। इसके बाद मुझे मुन को उठा के दूध पिला के फिर उसको देने के लिए जाना है। उसके पहले जो मैंने मतलब नए जो क्या बोलते हैं डाइनिंग टेबल कवर बिछाई हो ना, कुछ दिन तक तो मुझे ऐसा ऐसा होता है यार, जब नया नया कुछ भी चीज़ मैं ये करती हूँ ना तो उसको बहुत ज़्यादा टेक केयर करती हूँ, फिर कुछ दिन उसको ऐसे ही जाने देते, मतलब टेक केयर करती हूँ पर इतना पहले जैसा नहीं, फिर बीच में फिर से क्या हो जाते मेरे ब्रेन में, फिर से उसको अच्छे से टेक केयर करना शुरू कर देती हूँ। तो अभी शाम के टाइम हो रहा है, कुछ शाम नहीं, कुछ 4:30 बजे के टाइम हो रहा है। मून को ट्यूशन देने के पहले मैं पोछा लगा के जाती हूँ, सूख जाती है, पोछा लगा के फिर मैं उसको उठाऊँगी मून को, और उठाने के बाद उसको दूध पिलाऊँगी, दूध पिलाने के बाद मैं उसको लेके निकल जाऊँगी, थोड़ा टाइम के लिए रेस्ट करने दूँगी, उसके बाद उसको लेके निकल जाऊँगी उसके ट्यूशन के लिए। उसको देकर आने के बाद फिर मैं जो सोचा था वही करूँगी, तो थोड़ा बहुत मैं तो सोचा कि सोफ़े के सामने एक कारपेट बिछा देती हूँ, तो ये कारपेट बहुत दिनों से पड़ा है, मन में बिछाती हूँ ना उसके बाद फिर से उठा देती हूँ, क्योंकि मुझे झाड़ू पोछा करने में दिक्कत होती है, इसी वजह से ना फिर से इसको उठा देती हूँ। और मेरा सोफ़ा का कवर आप लोग बहुत पूछे थे बहुत इसके पहले की वीडियो में कि कहाँ से लिया, कितना पड़ा, तो मेरे सोफ़ा का कवर देखा ना, ये कवर है तो थोड़ा शॉर्ट शॉर्ट करके बनाई हूँ, क्योंकि ज़्यादा लॉन्ग करके बनाएंगे ना तो फिर नीचे एकदम गंदा होते, और ज़्यादा मैं अंदर की तरफ डाली हुई इसीलिए नीचे की तरफ दिख रहा है। हाँ तो मतलब थोड़ा वो लोग छोटा भी बना दिया है, पूरा मेजरमेंट ठीक से नहीं ले पाया और एकदम अच्छा नहीं बनाया है, क्वालिटी वाइज एकदम अच्छा नहीं है। उन्होंने लिया है 7000, हाँ उसने 9000 बोला था पर 7000 लिया है, तो उसके 7000 के अंडर ये सोफ़ा का बेड जो है इसका कवर उन्होंने बना के दिया है, एक ही दिन में बना के दे दिया। तो कुछ पिलो कवर लिया था, ये अच्छा लग रहा है क्या, मुझे लगा कि ब्लू कलर का सोफ़ा है तो लाइट कलर का अच्छा लगेगा। ये जो सेंटर टेबल है ना इसको मैं हमेशा किधर चुपक कर रखती हूँ बताएं, डाइनिंग टेबल के नीचे मून के डर से, क्योंकि इसके अंदर का जो ड्रॉयर है ना इसको निकाल कर उसके अंदर चढ़ के उसके ऊपर उठने की कोशिश करता है, अगर गिरेगा तो बस सोचो उसको कैसी लगता है, सोचती हूँ जाने दो, कुछ नोटिफिकेशन आया था इसीलिए हटा दिया मैंने, तो इसीलिए मोबाइल के अंदर हाथ लगाई थी। और इस जगह को थोड़ा अलग तरीके से डेकोरेशन किया, उधर का जो सारे सामान था इधर दे दिया, थोड़ा सा कैंडल जला रही हूँ क्योंकि अच्छा लगता है, कपूर लगा के कैंडल चालू करके फिर गायत्री मंत्र, वो साइलेंट वाला जो गायत्री मंत्र होता है ना वो चालू करके फिर मैं घर का सारे काम करती हूँ, पता है मुझे बहुत अच्छा लगता है, एकदम लगता है कि कितना सुकून मिलता है। देखो इस साइड का हॉल का जो भी सारे काम था कंप्लीट हो गया, डाइनिंग टेबल के अंदर ना मुझे कुछ भी नहीं रखने का मन होता है, क्योंकि डाइनिंग टेबल के ऊपर खाना खाने के लिए बैठती हूँ और इतने सारे सामान रहते हैं ना तो अच्छा नहीं लगता और झूठा भी हो जाते हैं, इसी वजह से सिर्फ एक सोप की डब्बा रखती हूँ जिसमें सोप रखती हूँ खाना खाने के बाद, आज नहीं है मतलब वो ख़त्म हो गया सोप, अगर मेरे घर में रहते हैं ना वो मीठी सोप जो रहते हैं ना वो मैं इतना 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 करके खाती हूँ, आपको क्या बोलूँ, इसका एक डब्बा शायद मैं 4 दिन में ख़त्म कर दूँगी, इसी वजह से मैं लाती भी नहीं हूँ। सोप खाना बुरा नहीं है, अच्छा है, पर आदत हो जाती है फिर, इसीलिए अभी बंद कर दिया रखना। फिर अजवाइन भी रखती थी, वो भी इतना तीखा रहते फिर भी खा लेती, पता नहीं क्यों मुझे ये सारी चीज़ ना जो खाना खाने के बाद की खाते हैं ना जिसमें मुँह एकदम फ्रेश हो जाते हैं वो सारी चीज़ बहुत अच्छा लगते हैं। बस इसके ऊपर एक बोतल रख देती हूँ और एक सोप का जो डब्बा रहते वो रख देती हूँ, ये रख देती हूँ और कुछ नहीं रखती हूँ। लिविंग रूम का जो काम था ना वो सब कुछ कंप्लीट हुआ है, अभी बेडरूम में जाऊंगी, उसका बेडशीट चेंज करना है। और
ये जो बेडशीट है ना, ये सबसे ज़्यादा फेवरेट वाला बेडशीट है मेरा, मुझे बहुत पसंद आती है। इसके ऊपर मुझे इतना अच्छा नींद भी आता है ना, क्या बोलूँ आपको, मतलब बहुत अच्छा लगते हैं। और ये बिछाने के बाद ना घर भी बहुत ही अच्छा लगते हैं मुझे। मतलब मेरे पास करीबन 10 तो बेडशीट रहेगा, उसमें से आधा तो मतलब मैं कभी बिछाया ही नहीं, और आधा तो बहुत बार बिछा लिया तो वो ख़राब भी हो गया इसके वजह से। ये वाला मैं बहुत बिछाती पर ख़राब भी नहीं हुआ है, और मुझे ये बहुत पसंद आते हैं। ये वाला और एक ब्राउन कलर का जो इसके पहले मैं बिछा के रखी थी ना, वो भी अच्छा लगता है, पर सबसे अच्छा ये लगते हैं। तो जब मैं बेड वगैरह क्लीन करती हूँ ना, तो एकदम से साइड वगैरह जो ड्रेसिंग टेबल का साइड रहते हैं, वो सब कुछ थोड़ा सा डस्टिंग वगैरह कर लेती हूँ। उससे अच्छा हो जाते हैं ना कि थोड़ा बहुत जो भी निकालते हैं ऊपर धूल वगैरह, वो सब जो सब कुछ मतलब ए लगे हाथ क्लीन कर लेती हूँ। आज बहुत दिन बाद आईब्रो किया, बहुत दिनों से सोच रहा था आईब्रो करने का पर नहीं हो रहा था, आज जाके करके आया। पता नहीं क्यों एक पतला एक मोटा लग रहा है ना, ऐसा ही है मेरा आईब्रो। सब सोचते हैं शायद जो आईब्रो किया है उसने गलती कर दिया, पर नहीं, मेरा आईब्रो ही ऐसा है। हाँ कभी कभार कोई जैसे पतला है उसके जैसे और एक बना देते हैं, पर आज नहीं हुआ है तो बहुत दिख रहा है, पर इतना आप नज़दीक से देखोगे ना तो इतना नहीं दिखता है। थोड़ा सा ब्रोलिंग लगाई हूँ, थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र लगाई हूँ। इसके बाद शाम के दिया अगरबत्ती करना है, तो जाना है दिया अगरबत्ती करने के लिए। आज गुरुवार है इसी वजह से धूप लगाऊंगी, और धूप का स्मेल भी बहुत अच्छा है। इसके अंदर कपूर डाल देती हूँ तो और भी अच्छा लगता है। जो शाम की ये वाइब्स होता है ना, मुझे बहुत पसंद है। दिया अगरबत्ती करने के बाद पूरे घर में थोड़ा धीमी धीमी धुआं रहते हैं, उसमें कपूर का स्मेल, फिर जो धूप का स्मेल रहते है, ये धूप का स्मेल थोड़ा अलग होता है। ये सब कुछ डाल के ना बहुत ही अच्छा लगता है, एकदम फ्रेश फील होता है। उसके बाद चलो शाम के दिया अगरबत्ती करने के बाद और कोई काम नहीं, मून को लाने के लिए जाना है। आज का जो ब्लॉग यहीं पर एंड कर देती हूँ, बाय बाय, फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ।